गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीके चैप्टर 3 आइडियाज बिहाइंड ग्रेट इन्वेंशंस में एरोप्लेन्स का इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एरोप्लेन का इन्वेंशंस हुआ था, द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन चेंज द वे वी ट्रेवल एंड ऑल्सो मेड ट्रेवलिंग वेरी कंफर्टेबल। एरोप्लेन गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट parts of the world. The credit goes to the Wright brothers 1899, whose interest and passion for aeroplane led to the development of the first heavier than air aircraft. After that, substantial work in the field of aeroplane development took place. तो जैसा कि बच्चों हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन का जो इन्वेंशन हुआ, ये जो है हमारे ट्रेवलिंग वर्ल्ड को ट्रेवल को बहुत कंफर्टेबल कर दिया, बहुत आसान कर दिया, क्योंकि अब एरोप्लेन की वजह से हम अब वर्ल्ड से जुड़ गए, मतलब एक देश से दूसरे देश को आसानी से जा सकते थे बहुत कम समय में, तो बहुत हमको फायदा हो गया, है ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इन्वेंशन इसका हुआ था राइट ब्रदर्स, है ना, राइट ब्रदर्स 1899 में, है ना, इनका जो इंटरेस्ट और पैशन था एरोप्लेन बनाने के प्रति, है ना, वो इनके पैसों से डेवलप हुआ पहला हेवियर देन एयर, है ना, मतलब एयरक्राफ्ट आफ्टर दैट सब्सटेंसेस, है ना, सब्सटेंसेस के बाद स्पीड में काफी डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो नाउ बच्चों, अब हम इसके कुछ मतलब जो पार्ट्स हैं एरोप्लेन में, जैसे फ्यूजलेज, है ना, इट इज द सेंट्रल बॉडी पोर्शन ऑफ एन एयरप्लेन विच अकोमोडेट्स द क्रू पैसेंजर और कार्गो, मतलब जो एयरप्लेन का जो बीच का पार्ट होता है जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं उसको फ्यूजलाइज करते हैं। उसके बाद कॉकपिट, कॉकपिट क्या है, जस्ट द पायलट कंपार्टमेंट, है ना, जो पायलट का कंपार्टमेंट होता है उसको हम कॉकपिट भी कहते हैं। लैंडिंग गियर्स, इसमें एक लैंडिंग गियर्स लगाते हैं, इट इज द लोकेटेड अंडरनीथ द प्लेन, है ना, ये प्लेन के आपके नीचे दिखता है, एंड सपोर्ट इट व्हील ऑन द ग्राउंड, और ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, उसमें पहिए जो लगे रहते हैं वो पहिए को ग्राउंड में लाने के लिए, है ना, लैंडिंग गियर्स होते हैं। विंग्स, दे प्रोवाइड लिफ्ट द सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हाइल इन फ्लाइट, जब जो विंग्स होते हैं, है ना, तो पूरा इसका वेट जब फ्लाई करता है, जब उसको उतारते हैं नीचे जमीन पे, है ना, तो क्या होता है कि ये विंग्स पे ही वो मूव करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोपेलर, इट इज द रोटेटिंग ब्लेड, द इंजन टर्न्स द प्रोपेलर व्हिच पुल्स द एरोप्लेन थ्रू द एयर, है ना, ये प्रोपेलर जो है ये रोटेटिंग ब्लेड है जो इंजन को स्टार्ट करने के बाद उसको एयर में पुल करता है, एयर में खींचता है, ठीक है। देन फ्लैप्स, ये भी मूवेबल सेक्शंस ऑफ एयरप्लेन्स है ना, ये बींग क्लोजेस्ट टू द फ्यूजलेज, है ना, फ्यूजलेज के अंदर क्लोज होता है, दे आर मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर डाउन होता है तो ये क्या करता है, एनेबल द एरोप्लेन टू फ्लाई मोर स्लोली, है ना, स्लो करने लगता है डाउन होने के समय में, जिससे कि वो धीरे धीरे स्लो होकर और उसको एरोप्लेन जमीन पे उतर सके। ओके, स्टार्ट। नाउ एरोन्स, दे आर द आउटवर्ड इनर सेक्शन ऑफ द एरोप्लेन विंग्स विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वन अप एंड डाउन, दे आर यूज इन मेकिंग टर्न्स, जैसे कि एरोप्लेन को जैसे अगर जा रहा है स्टेट जा रहा है, अगर उसको टर्न लेना है तो टर्न लेने के समय में एरोन्स का विंग्स जो है ना, एक अप डायरेक्शन में एक डाउन डायरेक्शन में जैसे ही होता है, अप डाउन होने से क्या होता है कि एरोप्लेन में मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, वो टर्न लेना शुरू करता है, ठीक है, अप डाउन होता है तो टर्न ले लेता है, इस तरह से हम प्लेन को टर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद रडार, रडार क्या करता है, मूवमेंट वर्टिकल सेक्शन ऑफ द टेल, है ना, जो कंट्रोल करता है आपको लेटरल मूवमेंट को, प्लेन के लेटरल मूवमेंट को
होता है रुडर। ओके, तो बच्चों आप इसको पढ़ के, अच्छी तरीके से पढ़ के, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करके इसको समझ लीजिएगा, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पे फिर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज मतलब एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ा, एरोप्लेन्स के जब से मतलब कैसे एरोप्लेन्स का जो इन्वेंशन हुआ तो उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, है ना। एरोप्लेन के इन्वेंशन से हम आसानी से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड, है ना, दूरी कम हो गया, आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब उसमें क्या क्या मतलब कंपोनेंट पार्ट्स लगे हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।